आई एम हनीप्रीत. हाय, मैं हूं डॉक्टर MSG. डाउनलोड द बॉलीवुड टाइम्स ऐप नाउ. लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम गोना डिस्क्राइब माय नेक्स्ट गेस्ट. इट माइट बी अ बिट लॉन्ग. ओके, ही इज एन एक्टर, ही इज अ डायरेक्टर, he's a producer, he's an art director, he's a dialogue writer, he's a lyricist, he's a music director, he is what not, he's a who's who of any film, any dream film that you want, all wrapped in one, 43 credits rolled into one big film. Ladies and gentlemen, I present you Dr. MSG and his lovely daughter and the director duo, Honeypreet and son. Ji, namaskar. How are you, sir? Fine. मैम, मैं आपको सल्यूट करता हूँ पहले तो शो पे कि मतलब हमारे हिंद की रक्षा करने वाले दो जन यहाँ मौजूद है. सर, मैं आपको पहला प्रश्न पूछूंगा. आपके लाइफ में वो कौन सा मौका था जब आपने डिसाइड किया कि भाई बस अब पिक्चर बनानी है? मतलब हाँ, हम सत्संग करते थे, 3-3 घंटे 6-6 घंटे भी करते रहे, तो लगा कि यूथ बात सुन नहीं रहा, तो हमने गाना शुरू किया, क्लासिकल गाया तो यूथ भागा. तो हमने कोशिश किया फिर जैज, हिप हॉप, रैप, तो करना तो राम का नाम ही था, लेकिन हमने उस टाइप से गाया तो यूथ बहुत बैठने लगा. हमने 150 कंसर्ट किए पूरी पूरी रात के, तो जिसमें 2-4 लाख लोग होते हैं, यूथ होता है, तो फ्रंट लाइन पे जो हमेशा रहते हैं एक बार वो दिखे नहीं. तो हमने उनसे अगले दिन पूछा कहाँ थे, कहले गुरुजी वो फिल्म. अरे डर क्यों रहे हो? कहते आप मम्मी पापा को बताओगे, वो कहते गंदी चीज़ है, हमें जाने नहीं देते उस एरिया से, लोग ऐसा मानते. तो हमने एकदम क्लिक हुआ कि अगर इन्होंने फिल्म तो देखनी है, गंदी हो या अच्छी हो, तो क्यों ना शुगर कोटेड कुनैन बना दें, कि शुगर एंटरटेनमेंट का और कुनैन राम नाम की, तो दोनों अगर बिठा दें. और जो हमने बिठाई 3 फिल्में जो लेके आए, तो उनमें रिजल्ट 100% आया कि लास्ट संडे जो होता है मंथ का, उसमें 5,000 से 10,000 लोग नशा छोड़ने आते थे, 3 फिल्मों के बाद अब 25,000 से 50,000 नशा छोड़ने आते, क्योंकि हम किसी से कुछ लेते नहीं, ना धर्म चेंज, ना कपड़ा, कुछ नहीं, जो मर्जी पहनो. मैम, आई वांट टू आस्क यू, अपने पापा से आर्गुमेंट करी या कुछ बोला बोली हो गई कि भी नहीं ये FDD होगा, फादर डॉटर डुओ पिक्चर होगी, बस अभी मतलब आप अकेले डायरेक्ट नहीं करेंगे या कोई और नहीं, मुझे आना है बस? नहीं, ऐसा कुछ आर्गुमेंट नहीं हुई थी. सेकेंड मूवी में जब मेरा रोल था तो एज ए एक्टिंग के लिए, तो फिर मुझे लगा कि भी मैं कंफर्टेबल, मुझे इंटरेस्ट था बिहाइंड द कैमराज, मुझे कैमरा को करना, सेट करना, तो मेरा इंटरेस्ट इसमें था. तो मैंने पापा को थर्ड मूवी में कहा कि मुझे बिहाइंड द कैमरा ज़्यादा कंफर्टेबल है बल्कि सामने के. तो पापा ने कहा क्यों नहीं बेटा, फिर पापा ने सिखाया, थर्ड मूवी में पूरा सिखाया. फोर्थ मूवी में मुझे अचानक मुझे कहा कि ले बेटा तूने इसको डायरेक्ट करनी है. तो फिर रात को तो मुझे नींद भी नहीं आई कि भी ये क्या, कि सच्ची में मैं डायरेक्ट करूँगी. पापा ने कहा हम है ना, तो फिर कॉन्फिडेंस आया. और आपकी ये जो तलवार जैसी मूछें है ना सर, जी जी, मतलब रणवीर सिंह की दाढ़ी की फैशन थी, आपकी मूछों की फैशन हो गई है. तो यू हैव क्रिएटेड रेज इन द डिज़ाइनर सर्किट. आपको क्या लगता है, पीपल आर like trying to dress up like you and look like you? शुरुआत में हम जब बेटी इससे बड़ी है उसका जब शादी हुआ तो हमने टोटली डिजाइन किया, नेकलेस से लेके कपड़ा, शूज, सब. तो बड़ा फेमस हुआ, तो यूथ में क्रेज था कि गुरुजी आप ड्रेस डिजाइन किया करो, उन्होंने हमें पहनने लगाया पैंट शर्ट. जैसे ही हम पहनने लगे तो यूथ वैसा पहनने लगा, यहाँ तक कि MSG 1 में जब हम आए थे, आपने लेकिन जितने लोगों ने इंटरव्यू लिया खास करके साउथ में, तो कहे गुरुजी ये दाढ़ी क्यों है? हमने कहा बेटा एक फिल्म रुको, बाद में देखते. आज आप देखोगे ज्यादातर हीरो के दाढ़ी है, यहाँ तक कि क्रिकेटर भी दाढ़ी रखे फिरते हैं. उसके बाद ही ये शुरू हुआ, चाहे आप चेक कर लीजिए सर, होस्ट भी दाढ़ी रखते. तो अच्छा लगा कि हाँ हमारी जो चीज है पुरातन से चली आ रही, तो उसको लोग अपना रहे हैं. और जैसे आपने बोला ये मूछों वाली बात है, तो हर कोई हमें, कई तो कहते गुरु जी टच करके देखे रियल वाली है या बीच में कील है. हमने कहा नहीं भाई रियल है, हम 20-25 सालों से पाली है यार, किल कैसे हो सकती है? ये एक्चुअली सही है क्योंकि आपने चश्मे पहने, तो ऐसा वाइपर जैसा यूज नहीं हो सकता कि अगर बारिश गिरी तो हो सकता है ना. हिंद का नापाक को जवाब जो ये मूवी है, MSG लायन हार्ट 2, राइट? जी जी, सेकंड जी. आई वांट टू नो कि सितंबर में ये हुआ था असली में, लास्ट सितंबर, ठीक है, सर्जिकल स्ट्राइक्स पाकिस्तान पे, तो तुरंत ही आपको ख्याल है अरे यार अभी इसके बारे में पिक्चर बना लो, मतलब कंट्रोवर्सी होगी तो ठीक है लेकिन ये सही मौका है. MSG 1 की जब प्रमोशन कर रहे थे तो हम दिल्ली में इंटरव्यू दे रहे थे, जैसे आज तक है ABP, तो जी पे हम गए, तो वहाँ एक पत्रकार सज्जन है सुधीर चौधरी,
तो उन्होंने बोला, गुरुजी आप बहुत अच्छी फिल्म है, गजब है, लेकिन ये सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, क्या आप इस पर कर सकते हो कुछ? हमने कहा क्यों नहीं। तो हमने एक कॉमेडी फिल्म बनानी थी, क्योंकि यहाँ के लोगों ने बोला था मुंबई में कि डबल मीनिंग के बिना कोई हंसा नहीं सकता, तो हमने चैलेंज लिया था कि हम सिंगल मीनिंग से हंसा के छोड़ेंगे। तो वो हमने तैयार किया सेटअप, एक पूरा गांव बनाया वहाँ, पूरा सब कुछ किया, लेकिन जैसे ही ये मुद्दा आया तो ये फिल्म 29 दिन में हमने बना के तैयार की, जो आप 10 फरवरी को देखोगे। सही है, पर कोई दिक्कत हुई डायरेक्शन में? नहीं, किसी भी किस्म की नहीं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप देखोगे कई सीन्स, मोस्टली सीन्स ऐसे हैं कि जहाँ पापी अकेले एक्टिंग कर रहे हैं, मैं कर रही हूँ, कई सीन्स ऐसे हैं जहाँ हम दोनों इकट्ठे दिखेंगे पर्दे पे, तो तब भी हमने डायरेक्शन करके पहले डायरेक्शन की, फिर आके एक्टिंग करी, फिर हम उसको जाके चेक करते थे, तो ऐसी चीजें कैमरे सेट करते थे, वहाँ लोगों को खड़े करते थे कि आपने ये थोड़ा एक्ट करना। देखिए, इंडस्ट्री में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री एक्चुअली में, अक्षय कुमार इज अ ड्रीम टू वर्क विथ, क्योंकि वो प्रोडक्शन के लिए पैसे बचाते हैं। मतलब 35 दिन का शूट हो ना तो 30 दिन में रैप अप हो जाता है। आपने पैसे बचाए होंगे? जो कंपनी है हमारी, जो जो प्रोड्यूस करती है, असल में वो हकीकत इंटरटेनमेंट कंपनी है, उन्हीं का काम है ये। यहाँ भी लोग वो आए होंगे, तो उनके अकॉर्डिंग ये फिल्म बहुत बड़ी है। यहाँ से DOP साहब गए थे, जिन्होंने क्रिस मूवी की है, संतोष जी। हाँ हाँ हाँ। उन्होंने बोला था, गुरुजी एक साल का प्रोजेक्ट है, और हमने 29 दिन में जब किया, तो अब आप कंपनी का सोचिए और बाकी का कि उनका कितना फायदा हुआ है। सिर्फ 29 दिन में हमने इसको फिनिश किया विद 4 सॉन्ग। जो आपका आशीर्वाद लेते हैं, आपकी एडवाइस लेते हैं, तो भाई आपसे मिलके पूछते हैं कि यार ये आप जो कर रहे हो, मतलब फिल्म लाइन में घुस गए हो, तो यार ये शोभा नहीं देता या हमें डीमोटिवेट करता है, कभी ऐसी ऐसी बातें आई हैं आपके? कभी नहीं, क्योंकि हमारे 6 करोड़ में 75% यूथ है। यूथ तो यही कहता रहता है दूसरे वाली कब आने वाली है, दूसरे वाली कब आने वाली है। तो मैं वही पूछ रहा हूँ, कब आ रही है, इसके बाद कौन सी वाली? अभी तो इसके बाद हमने एक फिल्म ऑलरेडी शूट कर रखी है, 1 साल हो गया उसको। जैसे अवतार इंग्लिश की मूवी हमने थोड़ी सी देखी थी, ये उसी बेस पे है, ये पूरे पवित्र वेदों पे है, और इसका BFX 1 साल हो गया चलते हुए, तो वो फिल्म भी आ सकती है। अदरवाइज कॉमेडी जो हम बनाने जा रहे हैं, एक वो है, 2 प्रोजेक्ट हमारे सामने हैं, एक द बर्थ, जो कि पूरी दुनिया का आखिर जन्म कैसे हुआ, क्या था वो, 1000 फुट के आदमी थे, 100 धरतियाँ आई, जिसमें एक में फायर ही था, एक में गैसेज थी, जो कि आज साइंस जिसको फॉलो कर रही है, वो हमारे पवित्र वेदों में 1000 साल पहले लिखा हुआ है। तो हम बताना चाहते हैं कि हमारे जो वेद है वो साइंस है, ना कि एक 5 रुपये माथा टेकने वाली बात नहीं है। तो हम यूथ को दिखाना चाहते हैं हमारी संस्कृति कितनी रिच है। हमने ये हम साबित भी करते हैं, USA के एक साइंटिस्ट हैं रॉबर्ट ओपनहेमर, तो उन्होंने 1945 या 1845 में बोला है, आप YouTube पे चेक करना, कि जो एटम परमाणु उसने बनाया वो महाभारत के अमोघ शास्त्र से बनाया। तो जरा सोचिए, हम कहते हैं यार नहीं हुआ महाभारत, और वो कह रहे हैं मैंने उससे शिक्षा लेके एटम बना दिया। कमाल की बात है कि हम अपनी संस्कृति को छोटी क्यों मानते। नहीं नहीं, क्रेजी है, दिस इज मैंने तो पहली बार सुना है ये। मतलब जी, मैंने तो गूगल भी नहीं किया, लेकिन आप बोल रहे हो ये शो पे, तो मुझे मतलब यू हैव एनलाइटेंड अस। बिल्कुल सच। मुश्किल सबसे ज्यादा किस में रही, फाइट सीक्वेंसेस में कि डांस में? हमारी अगर बात करें तो डांस, क्योंकि 34 साल हो गए छोड़े हुए। 34 साल हो गए? पहले हम करते थे, पहले बहुत डांस करते थे, लेकिन 34 साल जिसको छोड़े हुए हो जाए, बीच में ये 15-15 घंटे मेडिटेशन में बैठना, हम लगातार 15 घंटे बैठे रहते थे लगातार, 90 से लेके 2005 तक। हालांकि हम 30 नेशनल प्ले गेम खेलते हैं, उसके नेशनल प्लेयर हैं, लेकिन बीच में गुरुजी ने जब ये कहा तो फिर लगातार सब छूट गया, और यही मुश्किल लगता था, बाकी कुछ। सो व्हेन अ मैन डज सो मच, ही प्ले स्पोर्ट्स, ही डज हिज योगा एंड मेडिटेशन, एंड ही हैज 43 क्रेडिट्स टू हिज नेम, कॉलिंग हिम द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड वोंट बी अ सरप्राइज। आई डोंट थिंक People know you are the 8th wonder of the world, sir. भगवान है, शायद उसने बनाया है। वो तो wonder ही है, वो तो अलग ही wonder है। लेकिन आपको बनाया ही है, मतलब it's amazing. I cannot believe. बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। कोई आदमी हमसे कहता है, गुरु ये कैसे पॉसिबल है? हाँ, ये humanly कैसे? आप human ही हो ना सर? जी 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 जी। हाँ, सही है ना, मतलब हाँ सही है। पता चला वो टर्मिनेटर वाला रोबोट निकल के आया है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं। लेकिन ये आप जो कह रहे हो ये सच है, और यही है मेडिटेशन पावर, या कहें गुरु मंत्र की शक्ति, कि हम 30 नेशनल गेम खेलते हैं, आज भी खेलते हैं, और हम इंटरनेशनल कोच हैं। हमारी कोचिंग में वहाँ की बेटियों ने, जो इनके साथ पढ़ती थी, 6 बार वर्ल्ड कप योगा जीता है, 5 बार रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप जीती है, और 2 बार थ्रो बॉल चैंपियनशिप वर्ल्ड कप जीता है इंडिया के लिए। यानी इंडिया में, एशिया से अगर जितने मेडल आते हैं, 10% जो मेडल आते हैं वहाँ के स्कूल कॉलेज हमारे
कोचिंग के अंडर लेके आते। वाह, दिस इज सो इंस्पायरिंग, लाइक स्पेशली फॉर यंगस्टर्स मैन। इफ यू गाइस आर वाचिंग दिस इंटरव्यू, प्लीज प्लीज गेट इनटू स्पोर्ट्स, गेट इनटू यू नो मेडिटेशन, इट्स गोना बेनिफिट यू गाइस। मैंने ये गाना सुना अपनी फिल्म में। जी जी, मैं अपनी फिल्म बोल रहा हूँ, सोचो मैं घुस गया हूँ, मतलब पिक्चर। नहीं नहीं, जरूर जरूर। हाँ, तिरछी आंखों वाली, तिरछी, तूने तिरछी। हाँ, तूने तिरछी आंखें। आई थिंक वी शुड सिंग दैट सॉन्ग, यू सिंग? मैं एक्चुअली, मेरी सिस्टर ने सिंगिंग की है। अच्छा, लेकिन मैं उसमें रियल में गाया, हमारी बेटी ने, छोटी भी। अच्छा, वो गाती है। तो अभी कौन गाएगा? अब मैं साथ दे दूँ, साथ दे दे। चलिए लेट्स डू, और मैं थोड़ी एक्टिंग कर लेता हूँ। तूने तिरछी आंखों से देखा तो, तूने तिरछी आंखों से देखा तो, मेरा सिस्टम हिल गया, हिल गया, मेरा सिस्टम हिल गया। ओह लाइक दिस, वाओ वाओ। तूने तिरछी आंखों से देखा तो, क्लास। सेंसरशिप से डर लगा आपको कि भाई यार ये मैं पिक्चर बना रहा हूँ जिसमें यू नो इट्स अबाउट इंडिया पाकिस्तान एंड द रीसेंट सर्जिकल स्ट्राइक्स, यार सेंसर तो काट ही डालेगी मतलब। और ये जो मोदी जी का आपने जो यूज़ किया है पिक्चर में, उनके जो यू नो लुक अलाइक है, तो इवन दैट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। जी, पहले नहीं लगा था, पहले लगा कि शायद नॉर्मल सी बात है, क्योंकि ऐसा लगता था कि हाँ हम कोई उनके बारे में खिलाफ नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि ये मोदी जी ने और आर्मी ने मिलकर सर्जिकल स्ट्राइक किया है। तो हमने सोचा कि ऐसा एक आदमी चाहिए जो मोदी जी की तरह लगे। तो हम एग्रीकल्चर करते हैं, उसके साइंटिस्ट भी हैं, तो हम घूमने गए, देखा यार ये आदमी ऐसा लग रहा है कि मोदी जी जैसा है। खेत में ही था वो, बिल्कुल खेत में काम कर रहा था। तो हमने कहा जा, उसको दाढ़ी बढ़ाई, 10-12 दिन में उसकी दाढ़ी इतनी दिन थी, इतनी इतनी हुई, अच्छी लगी। अच्छी, अरे ये तो बिल्कुल मोदी जी लग रहे हैं। तो उनकी आवाज़ बुलवाई, थोड़ा सा उनको सिखाया कि नहीं ऐसे नहीं, वो 10-12 पढ़े हैं। तो जब उन्होंने एक्ट किया और जब सेंसर के पास वो कॉपी आई, वो कहते हैं ये नहीं दे सकते आप। हमारे आदमी, कंपनी वालों ने पूछा कि आखिर क्यों, कहते एक बार तो हमें लगा कि मोदी जी ने एक्टिंग की आपकी फिल्म में, इतना रियल, आप NOC लेके आओ। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो इतना टाइम नहीं था क्योंकि हमने जल्दी रिलीज करना था। हमने कोशिश की एक बार कि भाई, क्योंकि उनका पॉजिटिव दिखा रहे हैं इसमें, दो तीन जगह थे, लेकिन वो बात नहीं बन पाई। तो फिर हमने उसकी जगह आर्मी हेड बनाया और रीशूट किया एक दिन में और वो डाल दी। आप मोदी जी को पिक्चर दिखाएंगे? जी हाँ, अगर वो देखना चाहेंगे तो जरूर दिखाएंगे। आपने आर्मी वालों के लिए कुछ किया है स्क्रीनिंग? आर्मी के लिए जो हमने वैसे भी जो काम किया है, लगभग 6-7 सालों से हम पूरी इंडियन आर्मी को ब्लड डोनेट देते हैं, पूरी इंडियन आर्मी को। अगर किसी का अंग पैर कट जाए, तो अब हमने ये अनाउंस करवाई, पहले भी कर रहे हैं, कि उनके अंग पैर वो जो लगाने के लिए कृत्रिम जो पैसा आएगा हम लोग लगाएंगे, या कोई शहीद हो जाता है तो उनकी पूरी फैमिली का पूरा साथ देंगे, यहाँ तक कि उनके लिए शॉप वगैरह बना के देंगे कि वो अपना बिजनेस कर सके, कल को भीख ना मांगे। प्लस अगर उनकी विधवा है और वो चाहती है कि उसकी मैरिज करे दोनों फैमिली, तो हम ऐसे लड़के लाएंगे जो उनको पसंद आए, क्योंकि हमारे पास 6 करोड़ बच्चे हैं, लड़के हैं, जिनमें 1500 तो बिल्कुल तैयार हैं चाहे वो वैश्या से भी शादी कराने को। तो फिर कुछ ऐसे लड़के अगर फैमिली सहमत होंगी तो उस विधवा की भी शादी पुनर्करवा सकते हैं। तो ये चीज़ें हमने सबको बोली हुई हैं, और जो शहीद हो जाते हैं उनका मदद हर तरीके से करें। आपको पता है ये जो आप कर रहे हो और ये जो शो पे आपने सब बातें बता रहे हो, कितना पुण्य मिलता है पता है आपको? मतलब यू नो इट्स एक्चुअली गुड व्हाट यू आर डूइंग फॉर द ह्यूमैनिटी सर। आपको कभी ऐसा लगा कि यार मैं JP दत्ता साहब के पास जाऊँ, जिन्होंने बॉर्डर बनाई है, पिक्चर है कारगिल बनाई है, कि मैं उनसे थोड़ी एक टिप्पणी लूँ कि ये मुझे पिक्चर बनानी है, थोड़ी यू नो वॉर जोन टाइप है, तो मैं सलाह सूचन लूँ? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं किया, क्योंकि हमने जितने ये आप 43 क्रेडिट देखते हैं, हमने किसी की कोई ट्रेनिंग नहीं ली हुई, सिर्फ ये मेडिटेशन का प्रभाव है, शक्ति है कि हमें अंदर से इतना विल पावर रहता है कि एक बार आप हमारे सामने कुछ कर दीजिए, ये हो नहीं सकता, हम ना कर पाए। मोस्टली हर चीज़ नहीं कर सकते, लेकिन ज़्यादातर हम कर लेते हैं। तो हमें लगा कि हाँ ये क्या है, पहली फिल्म में जैसे वो डायरेक्टर है, हमने कहा इससे अच्छी डायरेक्शन तो हम HD कैमरों पे खुद करते रहे हैं। तो वो चीज़ें करते 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 तो ये चीज़ें आ गई। तो ऐसा लगा नहीं कि, क्योंकि हम गन शूटर हैं नेशनल लेवल के, बेटी भी गन शूटर नेशनल लेवल की, तो ऐसा नहीं था कि हमें गन नहीं पकड़नी आएगी, ये नहीं वो नहीं। तो साथ में आर्मी से हमने बहुत डिस्कशन की, जो आर्मी पर्सन थे, आर्मी कर्नल थे, मेजर थे, ब्रिगेडियर थे, हम उनसे बैठे, उनसे एक एक बात पूछी, डीपली गए, बहुत डीपली रिसर्च में, बहुत रिसर्च किया। कैसे तो फिर लगा नहीं कि किसी और की जरूरत है, जब ये रियल हीरो हमारे सामने और साथ हैं। तो हम उनसे पूछा तो उन्होंने बताया, तो वो आप देखेंगे हमने पूरी कोशिश की अपनी तरफ से। डॉक्टर MSG जस्ट स्टेटेड दैट ही वाज अ गन शूटर। इफ यू ज़ूम इन ऑन द टेबल यू विल फाइंड 2 गन्स विद बुलेट्स। अभी बाहर तो दिख रही है बुलेट। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि
इस शो के बाद मैं मेरी विल लिखूंगा और फिर डिसाइड करेंगे कि वो विल किसके नाम जाएगी. सर, वी आर गोइंग टू ब्रेक द रूल फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन दिस शो. एक गेम खेलता था मैं सब सेलिब्रिटीज के साथ, लेकिन आपके साथ कुछ अलग करते हैं. पहली बार ये मैं शो पे करने जा रहा हूँ. वाह, और आपके आशीर्वाद तो है ही. नहीं नहीं, जरूर नई चीज करते रहना चाहिए. तो कुछ नई चीज करते. जो सेगमेंट है उसका नाम होगा डायलॉग बाजी. ओके. मैं आपको एक डायलॉग दूंगा ठीक, या एक एक सिचुएशन दूंगा ठीक है. देखते हैं कि इम्प्रॉम्प्टू कैसे आप कर पाते हो ठीक है. टेक वन, एंग्री सीन है ठीक है. तो बाबा को पता चला है कि देवांश पटेल देशद्रोही है ठीक है. तो आप शुरू करें, फिर हम कुछ करेंगे. मैं एक्टर नहीं हुआ सर. देवांश, मैंने सुना है आपकी गतिविधियां आजकल सही नहीं है. सर क्या हुआ, आप बहुत चिंतित लग रहे हैं. चिंतित नहीं हूं, मैं क्रोधित भी हूं. जो मैं ज्यादा दिखता नहीं अंदर से, उससे ज्यादा हूं. लेकिन आपको ये क्रोध कहां से आया? आपकी हरकतों से. सर आप हाथ ऐसे मल रहे हैं कि मुझे लग रहा है ये हाथ सीधे मेरे गले पे जाएंगे. नहीं, आपके गले की तरफ नहीं, गन की तरफ जाने को बेताब है. सर बताइए, बताइए मुझसे क्या भूल हुई है. तू देशद्रोही है. सर साइड साइड. थैंक यू सर. गुड. Wow! What a scene, dude! What a scene! Killed it! Killed it! जो भी करते हो आप, वो हर चीज का जो इन्फ्लुएंस आपको सिर्फ मेडिटेशन से मिलता है, कि आप ऐसे इंसान को भी मिलते हो कभी कभी लाइफ में कि भाई यार, मान लो ये कैमरामैन है, अरे यार मैं आज इनसे कुछ सीखा यार, जो मुझे शायद पिक्चर में या रियल लाइफ में मुझे अपनाना चाहिए. हुआ है कभी? जी हाँ जी हाँ जी हाँ, हमेशा. कोई भी यहाँ बच्चे हैं जो भी ये कर रहे हैं या बता रहे हैं, तो हमेशा हम सीखते हैं. हम कहा करते हैं अपने सत्संग भाषण में भी, कि एक छोटे बच्चे ने एक बार बोला, हम घूम रहे थे, वाइट कपड़े पहनते थे तब, कहते गुरुजी जब आप कपड़े सुखाते हो ना, उल्टा करके सुखाया करो, सीधे कपड़े ना सुखाओ. उन्होंने कहा बेटा क्यों? कहते इसमें दाग लगेगा तो अंदर की साइड रह जाएगा. तो हमने सबको बोला देखो, शाबाश, उसको शाबाशी दी कि भाई अगर बच्चा भी छोटा हमें अच्छी राय देता है तो अपना लेनी चाहिए. तो वो घर कभी भी फेल नहीं होता. यहाँ अपने छोटे बच्चों, मियाँ बीबी आपस में राय करते हैं और जो बेस्ट होती है उसको चूज कर लेते. वाह, बट इट्स अमेजिंग हाउ यू इनकॉर्पोरेट दीज थिंग्स. या बस हम यही सोचते हैं हमेशा कि हम जमीन से जुड़े, कि कुछ भी ऐसा नहीं है, ये तो ईश्वर है. सर आपने जमीन से जुड़ने की बात करी है, डॉक्टर MSG ने जमीन से जुड़ने की बात की है, तो मैं कुछ सीन क्रिएट करना चाहता हूँ ठीक है. बम नहीं है, ये गिफ्ट है. जी जी, आपके लिए सर. शौक मत हो जाना, आप ये खोलें. और हनीप्रीत जी आपके लिए भी. थैंक यू. यू हैव टू ओपन एंड शो इट. और इसके पीछे एक वजह है देने की. क्या है ये? आपने जरूर देखा होगा इन लोगों को. हाँ, हमारे जो बेटी का बेटा है. हाँ. वो देखता है शायद, कोई ये एक मोटू है. मिनियन है? इन्हें मिनियन कहते हैं सर. अच्छा, मिनियन कहते होंगे. दिखा दीजिए आप जरा, दिखा दीजिए. कुछ देखा है उनके साथ. ये 3D फ्रेम है बाय द वे. जी जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. और ये आपको दिए मैम बॉलीवुड ड्रीम्स. कल कोई जब किताब लिखे ना, तब एक पन्ना आप लोगों के बारे में भी जी जी. वो जरूर होगा जी जल्द जी जी. सर ये मिनियंस है ना, वो हर चीज करते हैं जो आप करते हो. ओके. मतलब देखिए आप कितने हैं, आपने इतने रिकॉर्ड तोड़े. 43 क्रेडिट्स लिए है. जी जी जी. कभी सोचा कि ऐसी फिल्म करूंगा जहाँ पे मेरे 10 अवतार हो? हाँ. डबल रोल नहीं, ट्रिपल रोल नहीं, पर 10 से ज्यादा. 10 रोल इसमें ऑलमोस्ट है. ऑलमोस्ट है. हाँ. नहीं, पर एक ही आदमी कर रहा है. हाँ, एक ही आदमी. हाँ, हाँ, यहाँ तो मैं 10 अलग किरदार की बात कर रहा हूँ. की बात कर रहा हूँ. कभी ऐसा सोचा नहीं. विल बी डिफिकल्ट अगर आपने किया तो? हाँ, मे बी कर सकते हैं. हु इज अ बेटर एक्टर? पापा. नहीं, वो तो आप बोलेंगी. नहीं, जो फैक्ट है आपने देखा नहीं अभी. ऑफ कोर्स. सर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अगर बात करें जी, और जी. आपकी फिल्मों ने इतना कलेक्ट किया है, मतलब इतना धन. हाँ, कि यू हैव 3000 स्क्रीन्स फॉर दिस फिल्म, राइट? जी जी. इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. जी जी. कभी सोचा कि नहीं यार ये अभी बहुत हो गया इंडिया रिलीज, अभी ओवरसीज भी करते हैं? जो कंपनी है उसको हमने बोला है कि इस फिल्म को आप पूरे वर्ल्ड में कीजिए. और यहाँ तक जो आपने पैसे की बात की, वहाँ एक हॉस्पिटल बना है उस पैसों से. जी 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 जी. वाह. कंपनी ने बहुत बड़ा हिस्सा उसमें दिया, हम अपना दिया अलग, वो एक अलग चीज़ है. तो उस हॉस्पिटल में गरीब आदमी का बाईपास सर्जरी भी फ्री होगा. उसकी खासियत ये है,
मतलब बाकी छोटे इलाज तो होंगे होंगे, लेकिन बाईपास सर्जरी भी अगर जरूरत पड़ती है, धर्म नहीं देखेंगे, जात नहीं देखेंगे, कि अगर वो पुअर पर्सन है तो उसका इलाज फ्री होगा उधर, और डॉक्टर यूएसए तक के आएंगे वहाँ और वो भी फ्री सर्विस करेंगे वहाँ। तो ये वहाँ एक कंसेप्ट है। और हमने जो किया था वो हमने जो इस अभी जो तीसरी फिल्म है उससे हमने स्किन बैंक बना दिया है, वो नॉर्थ का पहला स्किन बैंक है। वाओ। और अभी इस फिल्म से हम बनाएंगे बोन बैंक, कि मान लीजिए किसी बाइक एक्सीडेंट हो गया, घुटना टूट गया, खत्म हो गया, या बुजुर्गों को जरूरत पड़ती है, तो वहाँ बोन बैंक होगा जिसमें रियल आप हड्डी ले सकेंगे जो मरणोपरांत लोग देंगे, तो वो हम बनाने जा रहे हैं। और एक हमारा चला डीएनए पे रिसर्च, क्योंकि हम आयुर्वेदा के रिसर्च करता है, तो हमने आयुर्वेदा में देखा कि अगर डीएनए आदमी का सही हो जाए तो कोई रोग नहीं रहता, तो हम उस पर रिसर्च कर रहे हैं। इंडिया के डॉक्टर हैं यूएसए और हॉलैंड, तो उस पर भी हम अपना पैसा लगाते रहते हैं, उनको जरूरत पड़ती है। हम अपना ये करते हैं, कंपनी को बोलते हैं कि ठीक है आप जो कमा रहे हो उसका बहुत बड़ा हिस्सा आप हॉस्पिटल, और बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाए, यहाँ से मुंबई से जो लोग गए थे वो देख के आए। फाइट सीक्वेंसेस के दौरान आपको इंजरी मतलब डर नहीं लगा कि भाई यार मैं बाइक चला रहा हूँ या मैं ऐसे स्टंट परफॉर्म कर रहा हूँ कि मान लो मैं यू नो मेरे पैर पे चोट ना आए या यू नो हाथ वाथ पे या सर पे चोट ना आए तो मैं बॉडी डबल यूज़ करूँ मेरा, ऐसा कभी हुआ नहीं? नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ, ईश्वर की कृपा से। हमने हमेशा अपने स्टंट आप ही किए, और उसकी वजह रही है कि हमने योगा जो है वो 90 फीट पे एक यू रॉड पे हमने बहुत सारे आसन किए, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, तो उसमें हमने 90 फीट पे बिना किसी सेफ्टी के तो दो हाथ से पकड़ के दोनों पांव उठा दिए, या पांव पे खड़े होकर दोनों हाथ छोड़ के आसन करना कि पांव के बल पे, तो लगता था कि उनके सामने तो ये कुछ भी नहीं है कि ये स्टंट करने आप बाइक पे जा रहे हैं, हालांकि 50-60 फुट ऊपर गए बाइक से ऐसे तो रॉड पे या एक वो जाना, तो लेकिन ऐसा लगा कि नहीं। और फिर एक हम संत हैं, संत का मतलब है कि जितनी भी ईश्वर की औलाद है उसको अपना बेटा बेटी मानना, तो हमें लगता है कि हमारी जगह हम किसी को अगर लाएंगे उसको चोट लगी फिर हम अपने आप को बख्श नहीं पाएंगे, हमें हल्का फुल्का ऐसा होता है राम जाने ना, कभी हुआ नहीं आज तक और होगा भी नहीं शायद, तो वो कोई बात नहीं, लेकिन हमारी जगह अगर किसी को हो गया तो वो फिर हमसे बर्दाश्त नहीं होता। मेन मुद्दा हमारे दिमाग में यही रहता। ओके सर, कपल ऑफ लास्ट क्वेश्चंस टू एंड दिस इंटरव्यू। हम आपसे फिल्म में 3 बेस्ट डायलॉग्स आपसे बुलवाएंगे। जी 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 ठीक है, तो शुरू कीजिए आपका कैमरा। खबरदार नापाको, अब पाकिस्तान में हिंद का शेर शेरे हिंद आ रहा है, इतने जनाजे उठेंगे गिनती करना भूल जाओगे। सबसे बड़ी हूर आपकी अम्मी होती है जो आपको 9 महीने पेट में रखती है, सबसे बड़ी हूर आपकी पत्नी होती है, बीबी होती है जो आपकी आधी रूह बनती है, और सबसे बड़ी हूर आपकी बेटी होती है जो आपको खुश देख के चेहरे पे मुस्कान ले आती है, इससे बड़ी हूर ना तो यहां है और ना वहां है। वाओ, आई वांट अ डायलॉग फ्रॉम यू आल्सो। आप बहुत मतलब चुपचाप है शो पे। बेटियां तो बेटियां ही होती हैं, चाहे हिंदुस्तान की हो या पाकिस्तान की। वी शुड सिंग वन मोर सॉन्ग, वो आतंकवाद वाला। जी, जंग है मेरी आतंकवाद से, जंग है मेरी आतंकवाद से, ना गांव से ना धर्म से ना ही देश देहात से है, जंग है मेरी आतंकवाद से, जंग है मेरी आतंकवाद से। वाह, जो आतंकवाद है, टेररिज्म शुड रियली कम टू एन एंड, एंड what you have done through your film, I hope this message passes on to all the youths of the nation also, and thank you very much sir. जी जी, बस हम यही message लेके आ रहे हैं कि भाई ये youth है हमारा पूरा देश, देशभक्ति की भावना से इतना जाग जाए कि कोई इस तरफ आतंकवाद निगाह भी ना करे, क्योंकि आजकल क्या सोयों को मार जाते हैं, पर हमारे लोग इतने अच्छे हो जाए, नशा छोड़ के इतने पावरफुल बन जाए, कोई सोए को छेड़े ना यार, सोया शेर भी उतना ही खतरनाक होता। कि ऐसा अगर हो जाएगा हमारे देश में देशभक्ति जाग जाएगी, तो हमें नहीं लगता कि आतंकवाद सिर उठा पाएगा। ग्रेट, थैंक यू सर, आई थिंक अगेन आई हैव टू सैल्यूट यू। जी आशु। हाय, मैं हूं डॉक्टर MS जी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड टाइम्स विद देवांश पटेल।